सानी नी पा पा प ग म धा प प प प ध ध प ग म रे स रे सा स स ध स रे सा नी ग ध प ग म। फिलोमिना और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई और नहीं बना पा रही थी, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम था और है भी, और प्रॉब्लम तो कभी जाता नहीं है और प्रॉब्लम आता है, अच्छा दिन और बुरा दिन देखना तो पड़ता ही है और वो मैं फेस कर रही हूँ बहुत सारे, जैसे कि घर का हो, खुद का लाइफ का हो, पढ़ाई को लेके हो, अपना करियर को लेके हो, तो बहुत सारा ऐसा है जो मुझे इरिटेट और डिप्रेस कर रहा है और उसी में मैं गुजर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, वो तो होता ही है और होना भी चाहिए, कभी कभी वो सब चीज़ को एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग उस लाइफ को नहीं जीते हैं तो हम ज़िंदगी का वो पार्ट को हम भूल जाते हैं, वो पार्ट को हम क्या बोलूँगी मैं नहीं आजमा पाते हैं। तो मैं अभी आजमाई हूँ और बहुत क्रिटिकल है, बहुत मेरे लिए बहुत मतलब उसको जीना और उसको उसके साथ जीना वो बहुत ही प्रॉब्लम है और फिर भी मैं उसको लेके साथ में जी रही हूँ। मैं इसीलिए वीडियो भी बनाई क्योंकि मुझे मन किया चलो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, कभी वीडियो ही नहीं बनाया और बनाए भी नहीं पा रही हूँ और बहुत सारे इतना अभी एक महीना से मैं घर में थी, घर में रह करके बहुत सारे चीज़ों को मैं भूलती ही जा रही हूँ और बहुत सारा ऐसा काम भी है गाँव में भी और इधर भी। और अभी घर में रहने से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, बहुत सारे नुकसान भी हैं और रहना तो ज़रूरी है घर में, अपना घर में। और जब मैं घर में रहती थी, घर में थी तो मज़ा ही कुछ और था, अभी मैं यहाँ पे आई तो वो मज़ा नहीं है। और जैसे कि घर में रहने से बहुत सारे चीज़, मम्मी पापा के साथ रहो, खुश रहो, और यहाँ पे अकेला अच्छा नहीं लगता है और नहीं भी रहना चाहिए इससे, पर क्या करेंगे, कुछ ऐसा मजबूर में हम लोग ये सब चीज़ करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा रियाज तो नहीं बोलूँगी, मेरा एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल, तो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही थी जो हुआ ही नहीं है मेरा, ये है राग हमीर और इसको मैं कर ही रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत गाऊँगी, गलत सलत मिस्टेक है, नोटेशन के साथ में सिंगिंग करूँगी बिना कीबोर्ड या बिना हारमोनियम बजा के, पर देखते हैं। पहले नोटेशन करूँगी उसके बाद में गाना को गाएंगे, ठीक है ना। मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रही हूँ, एग्ज़ाम मेरा 7 तारीख को है जुलाई और 14 तारीख को भी है, तो बहुत ज़ोर से अभी नहीं चिल्लाऊँगी क्योंकि यहाँ पे स्टडी भी करते हैं कई सारे बच्चे और यहाँ पे बहुत लोग स्टडी वाले हैं और अपना अपना काम करते हैं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए बहुत हल्के से मैं ये प्रैक्टिस को करूँगी और पहले नोटेशन को गाऊंगी उसके बाद सिंगिंग करेंगे, तो साथ में करेंगे। ये राग हमीर है और इसका छोटा ख्याल मैं गाना गा रही हूँ और ये वाला ताल है अपना त्रिताल और इसको स्थाई और अंतरा मैं करूँगी नोटेशन के साथ में, तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं। हम राग हमीर का प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग अगर जानते हैं जो जो सिंगिंग कोर्स कर रहे हैं, वोकल कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ में गाइएगा। और मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टडी भी करने वाले बच्चे हैं जो जो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, सब कोई पढ़ाई करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चिल्लाऊंगी, जस्ट मेरा प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े, जो कोई भी राग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्स करते हैं, क्लास जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी मुझे सजेस्ट करना कि मैं गलती कर रही हूँ और ये मेरा अभी मैं नया सीख रही हूँ, आज से ये राग मेरा शुरू हुआ है और इसको मैं अच्छा से करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सिलेबस में भी है। नी धा सा सा नी नी पा धा प ग म धा, नी धा सा सा नी नी पा धा प ग म धा, ये नोटेशन।
और इसका सॉन्ग है ना मना करो मैं गुरु चरणा, ना मना करो मैं गुरु चरणा, निधा सा सा नी नी पा धप ग म ध, पापा पापा ध ध पा ग म रे सा रे सा। आगे का नोटेशन पापा पापा ध ध पा ग म रे सा भव भय हरण वंदित चरण, स सधा सा नि ध प ग म ध तरण प्रणति जन सुशरण, नमन करो मैं गुरु चरणा। थाई था तो इस थाई को हम लोग अभी एक साथ में पूरा नोटेशन पढ़ेंगे और हम लोग गाना को गाएंगे। नी धा सा सा नी नी पा पा प ग म ध, पा पा प ध ध पा ग म रे सा, सा सा धा सा रे सा नी ग ध प ग म ध, नमन करो मैं गुरु चरणा भव भय हरण वंदित चरण, तरण प्रणति जन सुशरण। और मैं जितना भी मेरे से हो पाया, मैं बस एक्टिव होना चाहती थी वीडियो में कि मेरा कुछ वीडियो नहीं आया है तो कुछ थोड़ा सा डाल दूँ कि मैं अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अपडेट मांगती रहती हूँ तो अपडेट ऐसे देते रहना ज़रूरी है। और हाल फिलहाल में अभी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था और घर में भी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैं मम्मी का तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी मैं मेरा काम को मैं की हूँ, दिल से की हूँ और मेहनत भी की हूँ, शायद उसका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो नहीं पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय यीशु और सभी कोई खुश रहें, ठीक रहें और सभी कोई स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अभी गर्मी भी गर्मी और दोनों टेम्परेचर मिक्स हो गया है तो सब बहुत लोगों का तबीयत भी ख़राब हो रहा है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी को जय यीशु और धन्यवाद।